मेरे पास ये ऑलरेडी है, मैं एग्जिस्टिंग यूजर हूँ इस मोटरसाइकिल का, क्या मैं ये वाली एक्सेसरीज इसमें लगा सकता हूँ? सबसे पहले शुरुआत करते हैं विंडस्क्रीन से। अब जरा विंडस्क्रीन दिखाइए। विंडस्क्रीन की अगर शुरुआत करें तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पोर्शन है प्लास्टिक का, ठीक है। ये वाला प्लास्टिक का पोर्शन आपको कंपनी से ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये वाला प्लास्टिक का पोर्शन नहीं है। अब वो वाला प्लास्टिक का पोर्शन लीजिए और वो वाली विंडस्क्रीन लीजिए, इसके अंदर लगा दीजिए, फिट हो जाएगी विंडस्क्रीन। अब एक और चीज़, ये हैंड प्रोटेक्टर्स लगाने हैं भाई, बहुत स्मार्ट लुकिंग है हैंड प्रोटेक्टर्स और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं, तो ये लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल लग सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक क्लिप यहाँ पे है, ये वाला क्लिप, और एक क्लिप है जो आपका यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ नट बोल्ट्स का खेल है। यही सारे नट बोल्ट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। वो वाला क्लिप आपका हैंडल में आ गया है यहाँ, और ये वाला क्लिप आपका यहाँ आ गया, ठीक है, नीचे की तरफ। तो आपकी जो विंड स्क्रीन है वो भी आपकी नई वाली पुरानी वाली बाइक में लग जाएगी। अब चीज़ आती है कि हमारे पास है रेयर कैरियर, ये टॉप रैक कैरियर बेसिकली है हमारे पास में, तो ये लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। जहाँ पे कि आपकी ग्रैब रेल्स लगी हैं, वही दो बोल्ट यहाँ लगे हैं, वही दो बोल्ट यहाँ लगे हैं। देखिए, कोई भी कंपनी एक्सेसरीज लगाने के लिए, एक्सेसरीज बनाने के लिए स्क्रैच से कुछ भी नया नहीं बनाती, जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसी के ऊपर ही काम किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये दो बोल्ट्स हैं, ये दो बोल्ट्स ही हैं सेम, उसमें अगर मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए सेम साइज़ के ये दो बोल्ट्स हैं। आप ये वाले कैरियर हटाइए, मतलब ये हैंड ग्रैब्स हटाइए आप हैंडल्स, और अपना ये वाला जो कैरियर है ये ख़रीद लीजिए कंपनी से, ये डायरेक्ट आपकी उस वाली बाइक में पुराने मॉडल के अंदर लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, सेम फिटिंग्स हैं। इनफैक्ट ये जो इंजन गार्ड है, इंजन गार्ड की भी अगर आप फिटिंग देखें तो सारी फिटिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, मॉडल और डिज़ाइन का ही चेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, फिटिंग जो है बिल्कुल सेम है। एक मेन चीज़ है, वो है ये रेयर रैक। अगर ये रेयर रैक यहाँ लग जाएगा तो सोचिए कि इस बाइक का भी, एग्जिस्टिंग बाइक का भी जो लुक होगा वो वैसा सा लग सकता है। देखिए, ये इस वक्त कितनी मॉन्स्टर लग रही है, और ये लग रही है स्ट्रीट फाइटर टाइप, थोड़ा नेकेड लुक, बट ये बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर लग रही है। अब यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो ओवरऑल तो एक्सेसरी जो इसकी है वो लग चुकी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। मॉडल, मोटरसाइकिल, सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग चेंजेस हैं इसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर, इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन वो कंपनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग मॉडल है बेसिकली, ये जो मोटरसाइकिल है नई वाली, ये भी वही है, लेकिन आपको ये मिलेगी कितने, अगर आपको फुल पैकेज के साथ चाहिए, ये है 253,000 रुपये की, ठीक है, और ये आपको 253,000 से 10,000 रुपये और ऐड कर लीजिए, 10,000 रुपये ही आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम ये जो वीडियोस हैं ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आपकी तरफ से थोड़ा सा प्यार चाहिए, हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने फैमिलीज़ वगैरह को दिखाइए। हम आए हुए हैं इस वक्त बग्गा लिंक में, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बग्गा लिंक और बजाज ने हमें इन्वाइट किया कि आइए और एक बारी देखिए। तो आप अगर चाहते हैं कोई बजाज की मोटरसाइकिल लेना, आप यहाँ पे आ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं और रेट ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी रहती हैं, आपको बुकिंग की कोई टेंशन नहीं है, आप आइए, पैसे दीजिए और ले जाइए। तो मैं इसके जो भी डिटेल होगी वो आपको बता दूँगा। आप हमारे वीडियोज़ थोड़े से शेयर कीजिए, थोड़े से लाइक कीजिए, हमें थोड़ा सा प्यार दीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।